फ्रेंड, दिस इज प्रशांत तिवारी अगेन फ्रॉम कोलकाता। आज हम ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ एक रिक्वेस्ट के लिए। ये बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट हमें आ रहा है जो कैसे बोट कट बोट नेक कटिंग करें, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, अब अगर आपने तो ये वीडियो देखेंगी तो ज़रूर, तो मगर एक बात मैं आपको बोल दूँ, ये जो बोट नेक है, ये बोट नेक कैसे कटिंग करें ये हम ड्राफ्टिंग सिर्फ दिखाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा उसके आगे हम ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये बोट नेक का पैटर्न ही बहुत है, ठीक है। पैटर्न अगर हो गया तो आप तो खुद ब खुद ये कैसे स्टिच करते हैं, ये ब्लाउज में होता है, सलवार कमीज में आप कर सकते हैं, बहुत सारा डिज़ाइन में ये कर सकते हैं। सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ बोट नेक कैसे कटिंग करते हैं, ठीक है, वो हम दिखा रहा हूँ। तो पहले मैं दिखा आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं जो बोट नेक का, ठीक है। तो बोट नेक का कैसे वेरिएशन होता है, ये बोट नेक आप प्रिंसेस कट में अगर करेंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा, चोली कट में होगा, कटोरी में होगा, ठीक है। और जो क्रॉस स्टेट का वैरायटी टाइप का वेरिएशन में करा जाएगा इसे, और अपने कमीज में भी कर सकती है इसे, ठीक है। काफ़ी डिज़ाइन में ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए बोट नेक करने के लिए आपको मेजरमेंट कौन सा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पहले उसे आपको जानना है, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा वीडियो जो लोग देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उससे कहूँगा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो नेट पर डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपको चैनल पर चला जाएगा। और जो फ्रेंड घर में बैठकर मेरे वीडियो काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं घर में बैठकर, उन लोगों को मैं फिर से थैंक्स कर रहा हूँ। आप इसी तरह देखते रहिए और सीखते रहिए। आप अगर इसी तरह देखेंगी तो मैं नया नया वीडियो अपलोड करना पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, ये जो बोट नेक आप देख रहे हैं ना, ये बोट नेक मैंने तीनों ड्राइंग किया है। इस ड्राइंग को कैसे हम करेंगे, एक को हम दिखाएंगे और आप लोग तो जानते हैं ये कैसे शोल्डर को कटिंग करते हैं, मगर वो टॉपिक में दोबारा नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। मैं सीधा दिखाऊंगा बोट नेक कैसे कटिंग करते। तो फ्रेंड, मैं ये जो एक सपोज में एक ब्लाउज में दिखा रहा हूँ इसे, तो ब्लाउज में पहले हमें चाहिए फुल लेंथ चाहिए, ये मैं मेमोरी से कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई माप झोप हमने नहीं लिया है, ठीक है। तो हमने लिया फुल लेंथ हमने लिया है। फिर देखिए, ये हम यहाँ पर लिख रहा हूँ जो फुल लेंथ हमने यहाँ पर 30 लिया, ठीक है, 30, यानी कि इसका जो फुल लेंथ है मेजरमेंट में यही से यहाँ पर लिख लू पहले, ठीक है, आप लोगों को समझ में आसानी होगा। तो फुल लेंथ 12 और इसका हम बास्ट लेंगे, हम फ्रेंड 36 लेंगे, ठीक है, और ओएस लेंगे हम 30 लेंगे, ठीक है। हम तो बैक पार्ट सिर्फ कटेंगे, ठीक है, फ्रंट तो हम नहीं कटेंगे, इसलिए ज़्यादा माप हमें नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ फ्रेंड जो शोल्डर है वो टाइप में सिर्फ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और बाकी सब एक ही चीज़ है, जब अगर आपको जब चोली में कैसे कटिंग करना है वो हम ड्राइंग करके आपको समझा जी कैसे कटिंग है ना, बैक पार्ट को हम दिखा रहे हैं और जब फ्रंट में हम कटेंगे बिल्कुल वैसा ही कटेंगे, ठीक है। तो हमने एक माप यहाँ पर ले लिया, तो इससे हम कटेंगे जो हमारा, ये देखिए हमारा फुल लेंथ 13 है और इसका शोल्डर, ये हमारा बोट नेक करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर आपका शोल्डर ये इसमें एक मेजरमेंट चाहिए हमें, अगर आप शोल्डर पकड़िए आप 13 इंच से, ठीक है, तो 13 इंच अगर हो फ्रेंड, तो एक बात मैं पहले आप लोगों को बोल दूं, आपको जब बोट नेक करना है ना, बोट नेक ये जब हमारा, ये देखिए एक चीज मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए जब आप बोट नेक कटेंगे ना, तो आपका ये जो शेप देख रहे हैं ना बोट नेक, इस तरह होता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक मेजरमेंट ऐसे लेना पड़ता है, ठीक है, ऐसे आपको एक मेजरमेंट लेना है, क्योंकि ये जब हम अंदर पहनेंगे कोई ड्रेस तो उसके लिए
उसके लिए आपको किसी भी तरह का, अगर आपको कोई भी इस तरह का कोई डिजाइन करे, ठीक है, तो मेरा मतलब है ये देखिए, इस तरह का कोई बोटनेक अगर आप करे जो ठीक है, इस तरह का कोई, इसलिए मैंने जो अभी जो मेजरमेंट लिया है वो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छे खुला रहेगा जो हुक होगा इसमें, ठीक है, ये बैक है, ठीक है, अगर बैक ऐसा है, इसका हुक तो हुक हर बैक में है, और फ्रंट में कैसा है, फ्रंट में भी ऐसा है, ठीक है, ये फ्रंट में है, और आप इसे प्रिंसेस कट कटिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस बोट कट के लिए, बोट कट के लिए आपको देखना है जो हमारा जो माथे से ये हमको जब ये पहनेंगे जो ब्लाउज माथे से आपको इसे ऐसे पहनना है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो बोट नेक, इसके लिए हमको आपको हेड का मेजरमेंट चाहिए, ठीक है, और दूसरे के लिए ये बाकी के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो शोल्डर, ये जो आप फ्रंट में जो प्रिंसेस का है, फ्रंट में आप कर सकते हैं, बैक में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिजाइन के दौरान होगा। अगर आपको कोई भी आपको डिजाइन ऐसे करना है जो सिर्फ उसका गला दिखेगा और माथे से इसको पहनना पड़ेगा, तो इसलिए आपको जो हेड का मैंने मेजरमेंट दिखा, ये मेजरमेंट आपको चाहिए। तो चलिए उसके बाद में देखेंगे शोल्डर का मेजरमेंट है 30, और फ्रेंड इस बोट नेक के लिए आपको लेना है मेजरमेंट, ये देखिए ये लेना है। सिर्फ सारी वीडियो जो मैंने दिखा है सभी एक है, मगर बोट नेक हम जब सिर्फ नेक दिखाएंगे इसमें, तो इस नेक का कटिंग सिर्फ देखिए आप, ठीक है, और बाकी हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है, बाकी सब एक ही है, कैसे स्टिच करते हैं प्रिंसेस कट वो एक है, अगर बोट कट से मैं कुछ वेरिएशन करूँ वो स्टिच भी एक है, ठीक है, तो वो चीज हम नहीं दिखाएंगे इस वीडियो में, हम सिर्फ देखेंगे जो बोट नेक कैसे कटिंग करते हैं, ठीक है, हम सिर्फ बैक कटेंगे और फ्रंट में वैसे ही कटना है, हम वो आप लोगों को समझा देंगे वैसे ही आप कटना, ठीक है। तो बोट नेक का क्या होता है, 13 इंच हमने शोल्डर रखा है, अब हम क्या करेंगे, हाफ अप शोल्डर, हाफ अप शोल्डर प्लस हाफ इंच इक्वल टू होगा 6.5 प्लस हाफ इक्वल टू 7 इंच होगा, ठीक है फ्रेंड। तो बोट नेक के लिए आप लोग, मैं दिखा रहा जो दिखा रहा हूँ वैसे ही करेंगे, बोट नेक के लिए ये फार्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप क्लोज वाला फार्मूला, ये और क्लोज वाला माइनस वाला कोई फार्मूला अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये बोट नेक नहीं होगा, क्योंकि आपको जब ये आप पहनेंगे ये जरा प्रॉब्लम हो जाएगा, सेटअप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा तो डीप नहीं है, बोट नेक का थोड़ा सा डीप करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर लेंगे 7 लेंगे, ठीक है। जब मैंने बोला था शोल्डर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो वीडियो में मैंने बोला था जो जैसे कि जो एयरगोला और हाईनेक के लिए हमको हमेशा जो हाफ अप शोल्डर प्लस हाफ इंच वाला फार्मूला हमको लेना है, ठीक उसी तरह इस फार्मूला भी ऐसे फार्मूला आपको लेना है, ठीक है। ये ग्राफ पकड़िए, ये हमारा 7 इंच है, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये देखिए हमारा शोल्डर ये इस तरह दिखेगा, ठीक है। और आपको फुट अगर 1 इंच लेना है, 2 इंच लेना है फ्रेंड, तो कोई मतलब नहीं है। और बोट नेक का ये फुट अगर जब लेंगे ना तो बहुत ही छोटा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटा तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, हम इसे 1.5 इंच लेंगे, ठीक है, ये देखिए 1.5 इंच लेंगे, मतलब ये कंप्लीट होकर लगभग 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बोट नेक को कैसे हम करेंगे, देखिए फ्रेंड, इसको हम थोड़ा सा हम 1.5 इंच और 2 इंच अप कर सकते हैं, ठीक है, हम ऐसे करेंगे, ये देखिए जो बोट की तरह दिखता है ये जो शेप हमारा, ठीक है, तो इसे बोट नेक कहते हैं, और ये ज्यादा हो जाएगा तो उसे स्कूप नेक कहते हैं, ठीक है, वो हम बाद में दिखाएंगे, ये ज्यादा नहीं करना है। और ये बोट नेक का फ्रेंड ऐसे ही एक तरीका है ये करने का, और उसके बाद आपको ये जो स्पेस दिख रहा है फ्रेंड, ये स्पेस को आप थोड़ा सा आप ऐसे ही रखना, ठीक है,
और आप इसे एक शेप भी दे सकते हैं, मगर शेप देने का कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड, ये सीधा रखना है, इसमें फिटिंग ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये हमारा बोटनेक होगा और हम आर्म होल हम जैसे कटिंग करते हैं वैसे ही है। अगर बस्ट 36 है तो हम इसे लेंगे 1/4 बस्ट लेंगे, ठीक है। 1/4 बस्ट कितना आता है हम देखेंगे पहले। 1/4 बस्ट यानी कि 36 में हम डिवाइड करेंगे ऐसे 4 9 होगा, ठीक है। तो 9 ऐसे हो रहा है, पहले यह का 1 2 3 3.5, ठीक है। हम 3.5 इसे लेंगे क्योंकि ये जो बास्ट हो रहा है, इस बास्ट का ये देखिए 9 9 18 1/2 इंच, और ये हो गया हमारा आर्म होल कटिंग वाला ये फॉर्मूला हो गया यह तक, ठीक है, इस तक हो रहा है, ठीक है। और आपको अब क्या करेगा फ्रेंड, ये आप ऐसे करेंगे, जो वेस्ट है हमारा जो आप तो जानते हैं, ये सभी फॉर्मूला मैंने दे दिया और बहुत सारा वीडियो में मैंने बैक पार्ट कटिंग दिखाया, और हम इस वीडियो में हम नहीं दिखाएंगे फिर से, ये सिर्फ बोट नेक के लिए है। और बोट नेक के लिए जो लोग इसे बहुत सारा रिक्वेस्ट हमें किया है, आज मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये बोट नेक का सिर्फ यही एक तरीका है। अगर आप पूछेंगे जी सामने का क्या करेंगे, ठीक है, तो सामने मेरे सजेस्ट है आप ये बोट नेक के लिए आप प्रिंसेस कार्ड कीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो प्रिंसेस का टोटली कटिंग बिल्कुल एक ही है, मगर आप जब ये फ्रंट पार्ट कटेंगे, ठीक है, तो उसे नेक ऐसे ही कर देना, बस वो हो जाएगा बोट नेक, और कुछ नहीं चाहिए। बैक और जो ये फ्रंट वाला दिख रहा है वो ऐसे ही दिखेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसे करना चाहते हैं आप, जो जो आपका बैक है, बैक ईयर गला करना है, और आपको ईयर गला का मतलब है जो बैक में ऐसे रखना है सीधे, और फ्रंट में ऐसे डाउन करके इसे बोट बनाना है, तो आप वो भी कर सकती है, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरह कर सकती है, चोली कट में कर सकती है, मगर आपको चोली कट में अगर करना है तो अगर एस के ये फ्रंट के दरिया आपको एक सीम्स लेना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। और ये सीम्स लेकर भी ये चोली कट अच्छा नहीं बनता है, ये बहुत ही बुरा लगता है मेरे ख्याल से। आप चोली में नहीं करेंगे, ये कटोरी में आप कर सकती है, ठीक है, मगर उससे लिए भी फ्रंट में ऐसा दिखेगा, मगर मेरे ख्याल से ये प्रिंसेस कट में ठीक है, और स्ट्रेट कट कोई भी डिजाइन में ये सब ठीक है, जो क्रॉस स्ट्रेट डिजाइन होता है वह कामिज में ये बोट नेक कर सकती है आप, ठीक है। तो ये वीडियो था इस तक, और इसके आगे हम इस वीडियो को नहीं दिखाएंगे, ये सिर्फ बोट नेक का है। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ये बोट नेक का रिक्वेस्ट हमें किया है, आप लोगों को समझ में आ ही गया है ये वीडियो देखकर। तो उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे कहूँगा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। उससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो नेट पर डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपका चैनल पर चला जाएगा, और जो फ्रेंड घर में बैठा है मेरा वीडियो देख रहा है काफ़ी दिनों से और सीखने के लिए बहुत सारा मेहनत कर रहा है, और कोई भी अगर मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों को, तो आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकती है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं सॉल्व कर दूंगा आपको प्रॉब्लम को, ठीक है। तो और कुछ नहीं बोलूंगा इस वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।